चैनल इंडियन ब्यूटी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि होने वाली है, आप अपनी आईब्रोज को लॉकडाउन में विदाउट किसी भी पार्लर में जाए बिना अपनी आईब्रोज को कैसे शेप दें और कैसे उन्हें ट्रिम करें घर पे ही, बहुत इजी वे है। और आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है वो है सिर्फ एक, वो चीज़ है ये वीट कोल्ड बैक स्ट्रिप्स। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, बहुत सारे एड्स वगैरह सब चीज़ें आती हैं, बट वो सिर्फ आपके बॉडी के हेयर्स को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए इसे रिकमेंड करते हैं। बट मैं आपको बताती हूँ कि आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने फेशियल हेयर्स को भी रिमूव कर सकते हैं, अपने जो आईब्राउज हैं उनको भी ट्रिम कर सकते। कोरोना वायरस की वजह से कहीं बाहर नहीं जाना चाहते तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी आईब्रोज को खुद ही ग्रूम करने का। मैं इन्हें पर्सनली यूज़ करती हूँ और मैं आपको आज दिखाऊंगी इस वीडियो में कि मैं इनसे अपनी आईब्रोज को कैसे शेप देती हूँ। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिएगा एंड तक, सारी चीज़ें सारी प्रोसेसेस आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करनी है जैसे मैंने की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको वैक्सिंग के लिए चाहिए वीट वैक स्ट्रिप्स, ये मैंने 49 रुपीज़ की खरीदी थी, ये छोटा पैक है। आप इसका बड़ा पैक खरीदना चाहें तो वो 99 रुपीज़ का आपको मिलेगा। ये मैंने 49 रुपीज़ में, इसके अंदर चार वैक स्ट्रिप्स आती हैं जो कि एक दूसरे से अटैच्ड आती हैं और इसके अंदर ये ऐसे, ये देखिए आप वैक स्ट्रिप्स देख सकते हैं, ये दो वैक स्ट्रिप्स हैं बेसिकली, आप देख सकते हैं ये दो हैं, ये एक साथ चिपकी हुई आती हैं। तो इसके अंदर आपको ऐसी चार वैक स्ट्रिप्स मिलती हैं सिर्फ 49 रुपीज़ में और इसको आप फाइव टू सिक्स टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आते हैं फिनिशिंग वाइप्स जिससे आप आईब्रोज को वैक्स करने के बाद वाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए वैक्सिंग के लिए ये स्पूली ब्रश और थोड़ा सा पाउडर, ये मैंने एक कंटेनर में रखा हुआ है, और एक कटर या फिर आप कोई भी सीज़र ले सकते हैं छोटी सी। और उसके बाद आपको अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए चाहिए आईब्रो पेंसिल या फिर आप काजल पेंसिल भी ले सकते हैं। तो उसके बाद गाइस सबसे पहले आपको क्या लेना है, काजल पेंसिल लेकर उसे शार्प कर लेना है और अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करना है। सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ की स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मेजर कर लेना है, मार्क कर लेना है। तो अपनी नोज़ के साइड से बिल्कुल स्ट्रेट में आपका जो आईब्रोज़ का स्टार्टिंग पॉइंट में पॉइंट कर रही हूँ ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नोज़ के साइड से लेकर आपको पेंसिल को सीधे रखना है और मार्क करना है। उसके बाद वही सेम नोज़ के साइड से आईब्रो के कॉर्नर तक वहाँ पे एक निशान लगाना है, सेम अदर साइड पे भी मैं कर रही हूँ। उसके बाद अपनी आईब्रो की आर्क मेजर करने के लिए आपको अपनी नोज़ के साइड से आई बॉल के, अपनी आइज़ के मिडल में पेंसिल को ले जाना है और वहाँ पर एक आर्क लगा देनी है, मतलब कि मार्किंग कर देनी है। वैसे ही दूसरी आइज़ पे मैं करूँगी अपने आईब्रोज़ के आर्क, जो हाई पॉइंट होता है उसे मेजर करने के लिए। तो गाइज़ मैंने अब मार्किंग कर ली है, अब इसी के हिसाब से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करूँगी। तो गाइज़ आपको अब बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही ध्यान से आपको अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करना है। जैसी भी शेप चाहिए आपको, थिक आईब्रोज़ चाहिए, थिन आईब्रोज़ चाहिए, थोड़ी मोटी चाहिए या फिर पतली, आपकी जो मर्ज़ी है, बट अपनी जो शेप है उसे अच्छे से कोम कर लेना है पहले आईब्रोज़ को, और जो शेप है वो बिल्कुल करेक्ट रखनी है। अब आईब्रोज़ को फिल इन कर लेना है अच्छी तरीके से, डार्क डार्क करके जैसे मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ वैक्स स्ट्रिप और इस वैक्स स्ट्रिप को मैं सबसे पहले अपने हाथों में रब करूँगी और जिससे कि ये थोड़ी वार्म हो जाए और ये आसानी से हट सके। उसके बाद मैं ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट ली है मैंने, पतली पतली सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रिप्स काटूंगी तो मुझे मतलब बहुत हर्ट होगा। उसके बाद मैं अपनी आईब्राउज़ के साइड में जहाँ भी मुझे वैक्सिंग करनी है, ट्रिमिंग करनी है, वहाँ पर पाउडर लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने ये वैक्स स्ट्रिप ली और उसके बाद इसे ऐसे हटा लिया मैंने और एक को साइड में रख दिया, दूसरी मैंने ले ली और अपनी जो आईब्राउज़ के ऊपर ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल फिक्स कर लिया है। जो मैंने फिल इन किया था अपनी आईब्रोज़ को, उसके साइड में जितने भी मुझे एक्स्ट्रा हेयर्स दिख रहे हैं उन पर मैंने इस वैक्स स्ट्रिप को लगा लिया है। उसके बाद मैं इसे हेयर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच दूंगी लाइक दिस। तो गाइज यहाँ इससे बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और बिना बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, आप देख सकते हैं बाल भी बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाते हैं और बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता। इनफैक्ट थ्रेड से तो कम ही हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा कम। अगर आप अपनी आईब्रोज़ पे थ्रेड यूज़ करते हैं तो सभी लड़कियों को पता होगा कि कितना ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद ऐसे ही आपको दूसरी साइड पे रखनी है, फिर आपको दूसरी वैक्स स्ट्रिप लेके अपनी आईब्रोज़ के इनर साइड पे प्लेस करना है, जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा हेयर्स दिख रहे हो इस तरह से आपको लगा देना है और ऊपर से नीचे की तरफ खींच लेना है।
आप देख सकते हैं हेयर्स जो है वो निकल के आ रहे हैं, आपको कोई भी थ्रेड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज के एंड पॉइंट पे जो बची हुई वैक्स स्ट्रिप थी उसे लगा रही हूँ ऐसे। अब मैं इसे ऊपर अपर डायरेक्शन में निकाल दूँगी। गाइस जब आप किसी भी वैक्स स्ट्रिप को निकालते हैं खींचते हैं तो बहुत ही जल्दी से निकालना होता है, ज़्यादा वेट करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो हर्ट हो सकती है। उसके बाद मैं अपनी जो मिड सेक्शन है उसमें इसको प्लेस कर रही हूँ और ये देखिए आईब्रोज़ की शेप जो है बहुत अच्छी आ गई है और अब मुझे किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है कोई थ्रेड वगैरह यूज़ करने की। वैसे ही मैं अपनी दूसरी आईब्रोज़ पर भी कर लूँगी। अब मैंने अपनी दोनों आईब्रोज़ को वैक्स कर लिया है। उसके बाद आपके जो एक्स्ट्रा हेयर्स जो छोटे छोटे हेयर्स जो वैक्स के वैक्स स्ट्रिप में नहीं निकले उन्हें आप इस तरह का ये जो क्लिपर है इससे निकाल सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, ये वीट फिनिशिंग वाइप्स लेने हैं, इसके पैकेट को कट करना है। इसके अंदर आपको एक फिनिशिंग वाइप मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा ऑयल होता है जो कि जो स्टिकी स्टिकीनेस हो जाती है वैक्सिंग करने के बाद उस स्टिकीनेस को हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इससे मैं अपने आईब्रोज़ को वाइप कर लूँगी जिससे जितना भी चिपचिपापन है वो सब ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर बेसिकली ऑयल होता है, अगर आपके पास ये नहीं है ख़त्म हो जाए तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आपकी आईब्रोज़ की शेप जो है कितनी अच्छी आई है और अगर आप थ्रेड से करते तो कितना ज़्यादा पेन होता है, मैं तो सच में रोने लगती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं गाइस आप सभी को रिकमेंड करूँगी कि आप वीट वैक्स स्ट्रिप्स कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स को ही यूज़ करें आईब्रोज़ को ट्रिम करने के लिए। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करके एक बार ज़रूर देखना। बट हाँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ इसे ट्राई मत करना। अगर आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर लेके देखना। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, पिंपल्स और छोटे छोटे जो दाने निकल आते हैं, तो आप इसे यूज़ ना करें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। वरना आप मुझे ये बाद में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरे इतने सारे मतलब फेस ख़राब हो गया बिल्कुल, बिकॉज आईज़ का मामला है तो थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये पता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर आप किसी पार्लर में जाते हो तो नॉर्मल वो आईब्रोज़ के एक सेटिंग के 30-40 रुपीज़ ले लेते हैं, और अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो इसकी जो इतनी लंबी वैक्स स्ट्रिप आती है इसमें, मैं आपको दिखा देती हूँ, बड़ी सी वैक्स स्ट्रिप है ये वैक्स स्ट्रिप आपको एक बार में हार्डली इतनी ही यूज़ होगी। एक बार आईब्रोज अगर आप अपनी ट्रिम करेंगे इससे तो इतनी मतलब आप इस एक स्ट्रिप को 3 बार यूज़ कर सकते हैं, 3 बार यूज़। और इसके अंदर 2 स्ट्रिप्स आती हैं ऐसी, तो 3 और 3 6, यानी कि आप सिर्फ 49 रुपीज़ में या फिर यानी कि 50 रुपीज़ में आप 6 बार अपनी आईब्रोज को ट्रिम कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज अगर आप पार्लर वगैरह में जाते हैं तो वो इतना जो मतलब सेटिस्फैक्शन भी नहीं देते हमें, इतना अच्छा रिजल्ट्स भी नहीं मिलता। और अगर हम इन वैक्स स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं तो हम अपनी अकॉर्डिंग जैसे भी हमें शेप चाहिए अपनी आईब्रोज की वो बना सकते हैं। बस आपको सही तरीका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी आईब्रोज बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी को लाइक कर दें जो आपको अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियोस जितनी भी आपके आसपास गर्ल्स हैं उन सबके साथ शेयर कर देना, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आईब्रोज़ को ट्रिम करने का ऐसा तरीका उन्होंने नहीं देखा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।